चलिए तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th मैथ्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ दे रखी है दैट इज 24 एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट क्यू का डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से 25 सेंटीमीटर और पूछा गया है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, जो गिवन है उसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और एक थ्योरम 10.1 हमें याद रखनी है। कौन सी थ्योरम? थ्योरम 10.1 याद रखेंगे, जिसमें बोला गया था कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। बेटा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, बार बार एक ही चीज आ रही है, स्टेटमेंट आप याद रख लेंगे बेटा इस थ्योरम की। अगर टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये मेरा टेंजेंट है क्यू टी और रेडियस है ओ टी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का बेटा, ठीक। तो 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग तीसरी अननोन साइड जो है वो पता लगा लेंगे। बिल्कुल बेटा, तो चलिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा अगर आपने सिंपलीफाई करना है तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, और यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, ठीक। तो ऐसा मान लीजिए कि ये सेंटर है फिलहाल के लिए, ठीक है, और ये पॉइंट है टी और ये एक्सटर्नल पॉइंट था आपका क्यू। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये 90 डिग्री है बेटा। अब ओ टी की वैल्यू थी कितनी मेरे पास, ओ क्यू की वैल्यू है 25 और क्यू टी की वैल्यू जो है दैट इज 24 बेटा, और ओ टी तुम्हें पता लगाना है, ठीक। तो अभी क्या लिखेंगे, पहले तो आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट आएगी, और स्टेटमेंट लिखने के बाद बेटा नहीं लिखोगे तो ना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10.1 की स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सो ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके बेटा, क्यू टी के, या फिर क्यू टी परपेंडिकुलर होगा ओ टी के, किसी भी तरह लिख सकते हैं। देयरफोर ट्राइंगल ओ टी क्यू, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि राइट एंगल को बीच में रखना है, टी एंगल पे 90 है ना, तो बीच में रखेंगे। ओ टी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा, यहाँ पे भी फिर से क्या लगेगी, पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस बेटा। अब पाइथागोरस क्या है बेटा, यहाँ पे वही जो पहले लगाया था 90 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेटा। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यानी कि क्यू टी का स्क्वायर बेटा, क्यू टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओ टी का स्क्वायर, और हमें ओ टी की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। चलिए तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू है 25, 25 का अभी स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा, 625 इक्वल्स टू क्यू टी की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 576, तो बिल्कुल सही 576 प्लस ओ टी का स्क्वायर रहेगा और जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है बेटा, देखिए यहाँ पे 576 जो है प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो 625 में से आप 576 जल्दी से माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या आएगा, ओ टी का स्क्वायर आएगा बेटा। माइनस करने पे कितना आया, 49 बेटा, बिल्कुल सही जिन्होंने निकाला। तो ओ टी का स्क्वायर 49 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखिए ओ टी इज इक्वल टू रूट 49, अंडर रूट 49, तो अंडर रूट 49 कितना होता है बेटा, 7। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो रेडियस है यानी कि ओ टी जो है दैट इज इक्वल टू 7, तो फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको आने के चांसेस होंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, आपको वैल्यूज चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो याद रखिए थ्योरम 10.1 लगाइए, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कीजिए, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा आपको, और पाइथागोरस लगाइए, दो साइड्स दे रखी हैं, तीसरी पता करनी है आपको, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए बेटा, हमारे पास है इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये हमारे पास यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं पी टी एंड टी क्यू, ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, और जिसका सेंटर है वो सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है, और सच दैट यहाँ पे एक एंगल दे रखा है हमें जो सेंटर के साथ बन रहा है इन दोनों रेडियसिस का, ओ पी और ओ क्यू का जो एंगल है बीच में पी ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 110, और आपसे पूछा है पी टी क्यू पता कीजिए कितना हुआ, और यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने के बहुत चांस हैं बेटा, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो बेटा थ्योरम, फिर से हम लोग 10.1 ही यूज़ करेंगे। 10.1 थ्योरम से हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिलता है कि ये जो रेडियसेस होंगे बेटा ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये भी 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो हम वही चीज़ लिखेंगे बेटा फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1 ओ पी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर टू पी टी एंड टी क्यू रिस्पेक्टिवली। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे बेटा, एक भी लाइन इधर उधर नहीं करेंगे। जो मैंने लिखवाया उसका मतलब ये है कि थ्योरम 10.1 से ओ पी और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हैं पी टी और टी क्यू के ऊपर, ठीक। देयर फोर एंगल, देयर फोर एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा इतना लिखने के बाद बेटा आपको क्लैरिफाई हो गया कि दो एंगल और मिल गए हमारे पास, ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हुआ 90, ठीक बेटा। अब दो एंगल 90, एक 110 है, और चौथा एंगल जो है हमें पता करना है। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 360, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कोई भी नाम दे दीजिए इसको, ओ पी टी क्यू, कहीं से भी दे दीजिए आप नाम, ठीक है, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, यानी कि चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 बेटा, क्लियर। आप इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं, एंगल ओ को क्या लिखेंगे पी ओ क्यू, है ना, इसका मतलब क्या हुआ पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि बच्चे ये गलतियां करते हैं और टीचर नंबर काट लेते हैं। एंगल पी को क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल ओ पी टी, प्लस एंगल क्यू को क्या लिखेंगे बेटा ओ क्यू टी, और एंगल टी को लिखेंगे पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, इन सभी का सम कितना है 360। सभी बच्चों को पता लग गया है कैसे करना है अब ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 110, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 110, प्लस ओ पी टी की वैल्यू अभी हमने देखा 90 था, फ्रॉम फर्स्ट आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ओ क्यू टी की वैल्यू कितनी है 90, और हमें पता करनी है एंगल पी टी क्यू की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, इन सभी एंगल्स का कर देंगे सम, तो सम करने पे कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पे 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180, 180 प्लस 290 बेटा, तो कितना हो जाएगा 290, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 बेटा। अब यहाँ से देखिए 290 इधर प्लस का उधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो 360 माइनस 290 करेंगे तो कितना होगा 70 डिग्री बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा
70 डिग्री एंगल पी टी क्यू। तो दिस इज योर आंसर बेटा, यहाँ पे देखिए 70 ऑप्शन में है ना, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको समझ लगा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है देखिए यहाँ पे, इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, मतलब दो टेंजेंट्स है और उनके बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री है। देन पी ओ ए यानी कि ये जो एंगल है पी ओ ए, यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक बेटा, पूरा एंगल नहीं, सिर्फ ये बीच का आधा एंगल आपसे पूछा गया है। तो इसको करने से पहले आपको दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, दोनों थ्योरम यूज होंगी 10.1 एंड 10.2। 10.1 तो आप सभी को पता लग गई कि आपके पास जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना, या फिर जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, एक तो ये लगेगी। दूसरी है हमारे पास कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो दोनों टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की जो लेंथ होगी यानी कि पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हम 10.1 का यूज करके जो एक मिसिंग एंगल है ना ए ओ बी उसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये बड़े वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बीच वाले दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे बेटा, कॉन्गुरेंट करेंगे। कॉन्गुरेंट करने से फायदा क्या होगा बेटा, हमें इस एंगल का रिलेशन इस वाले एंगल से पता लग जाएगा, ठीक, या फिर बड़े वाले से भी पता लग सकता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए फ्रॉम थ्योरम 10.1 से हमारे पास क्या आ गया कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए, एंड बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी जहाँ पे मैंने 10.1 लिखा है वहाँ पे वही थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी, ओ बी जो है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी बी, तो आप इस तरह से लिख देंगे। सो देयरफॉर एंगल पी सॉरी एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा। अब चलिए इन क्वाड्रिलेटरल पी, यहाँ ए से शुरू कर लीजिए, ए ओ बी पी सारे एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा 360। इतना समझ गया आप लोग। अब आगे क्या करना है बेटा, बस एक मिसिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग एंगल किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल होगा ए पी बी, पूरा 80 दे रखा है हमें, प्लस अभी हमने ये पी ए ओ और पी बी ओ की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी 90, और ये भी कितनी आई थी 90, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा ये सारा। प्लस ए ओ बी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो जल्दी से ए ओ बी की वैल्यू बता दो बेटा, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260 बेटा, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 260। अब 360 में से 260 माइनस करो तो सीधा 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो इट मींस एंगल ए ओ बी कितना आ गया मेरे पास 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री एंगल ए ओ बी। इतना क्लियर है बेटा। अब बेटा देखो पूरा एंगल तो आ गया, अब बीच वाला एंगल निकालना है मेरे पास, ये पूरा 100 डिग्री आ गया है। अब बीच वाला एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स हैं ऊपर और नीचे है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल कौन कौन सा है बेटा, देखिए यहाँ पे पी ए ओ एंड दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल पी बी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें बेटा हम लोग क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, पी ए
इज इक्वल टू पी बी, है ना बेटा? कहां से आएगा? थ्योरम 10.2 से आएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। चलिए तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, आप रेडियस भी ले सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी ले सकते हैं अगर आपको ये नहीं लिखना है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल हो सकता है ना, तो चलिए वो भी ले लेते हैं यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियाई ऑफ सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, तो इक्वल होते हैं हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल। तीसरी बेटा कॉमन साइड तुम लोगों को दिख रही होगी, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स में ये भी चीज कॉमन है, जो कि कॉमन साइड। अब देखिए बेटा ये तीन चीजें मिल गई तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? तीनों की तीनों क्या है? साइड्स। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर एंगल ए ओ पी यानी कि पी ओ ए भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ, पी ओ सॉरी हाँ जी पी ओ बी। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो बेटा, अब इसको लिख लो पी ओ ए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब देखिए टोटल अगर इनको प्लस करके कितना आता है? ए ओ बी, इन दोनों पी ओ ए और पी ओ बी को प्लस करूँ तो कितना आता है बेटा? दैट इज ए ओ बी, है ना। तो इट मीन्स अगर बीच वाले एंगल्स इक्वल हैं तो हाफ के इक्वल होंगे ना बड़े वाले एंगल्स के, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया मैंने। तो अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या आ जाएगा? वन एंड टू से बेटा एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं तो हाफ के इक्वल ही होगा ये। तो अब देखिए एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 100, तो 100 का हाफ क्या होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री बेटा, तो आंसर इज 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारे पास 50 डिग्री, तो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ लगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए ये आप मान लीजिए एक सेंटर ऑफ सर्कल है ना, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर ओ है और ये ए बी जो है इसका वो एक डायामीटर है, ठीक। ए बी क्या है? डायामीटर है। अब डायामीटर से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ही टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट आप सपोज कर लो ये वाला हो गया, ठीक। अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों, ये एल और एम जो है वो क्या है? पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना। चलिए तो अब देखिए कैसे करना है इनको। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे बेटा? देखिए ये सपोज करो एक पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल। तो ये वाले जो एंगल्स थे अंदर वाले एंगल्स यहाँ पे, जिनकी जिनके बीच में जेड बनता है ना, तो ये वाले जो एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के बीच और ऑपोजिट ऐसे आमने सामने वाले, ये जो एंगल्स हैं इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलता हूँ और ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा। और यहाँ पे हमारे पास एक नाइन्थ में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक बेटा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इनको नाम दे देते हैं लाइन्स को, ठीक है। तो सपोज इसका नाम दे दिया पी क्यू और एक का नाम दे दिया आर एस, है ना। तो यहाँ पे दे दिया मैंने नाम पी और ये मेरा पॉइंट हो गया क्यू, और यहाँ पे दे दिया मैंने R और यहाँ पे दे दिया मैंने S। तो आप इस तरह से दो लाइंस ले लेंगे। आप L और M मत लीजिए, इनको नाम दे दो पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू और दूसरी लाइन को दे दिया आर एस। चलिए तो इस तरह से हमारे पास डायग्राम। अब क्या करना है बेटा देखो ध्यान से, अब थोड़ा
थोड़ा देख लो यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। तो मैं पी ए बी को या पी ए ओ को ओ बी एस के इक्वल कर दूँ, है ना, तब हमारे पास कुछ बनेगा, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1 क्या आएगा बेटा, 10.1 से क्या आता है हमारे पास, वही चीज कि जो रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या फिर टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा, ठीक है। इट मींस कि हमारे पास जो पी क्यू है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, एंड जो हमारे पास आर एस है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, आर एस परपेंडिकुलर टू क्या लिखेंगे बेटा, ओ बी, है ना। सो देयर फोर एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल, अब मैं इधर वाला एंगल नहीं लूंगा बेटा, इस साइड वाला एंगल ले सकता हूँ, है ना। इधर वाला भी लेके कर सकते थे तो उसमें प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर ले रहा हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ ओ बी एस एंगल, ओ बी एस बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री बेटा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और आपस में क्या है, इक्वल भी हैं, है ना। तो इफ, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बेटा, इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है बेटा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो यहाँ पे बस इतने में से ही काम हो जाएगा हमारा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ लिख सकता हूँ, एंगल यहाँ पे देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा, इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये जो एंगल है ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ओ बी आर, है ना बेटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल्स के पेयर आए, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल देन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है बेटा। देयरफोर क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको करा रहा हूँ बेटा, ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो आप नीचे लाइन लिख देंगे, हेंस द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये हो गया ना, पी क्यू पैरेलल टू आर एस।